स्वामी की ताई की बात मैं कर रहा हूँ, कौन कितना धर्म है, कितना पैसे वाला, कितने माल वाला है। पंजाब और हरियाणा में माल चलता है। तो पहले हम 10वें 11वें स्थान पर थे, अब हम माल वाले 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। और मार्गन स्टेनले ने कहा है, कहते हैं बराबर ये सब सारा विश्लेषण अगर करते रहते हैं, उन्होंने कहा है कि अब तो मुझे लगता है कि भारत 2027 आते आते यानी ठीक 4 साल के अंदर ही भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंच जाए, दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्था में पहुंच जाए। और एक बात और मैं बताऊं आपको, प्राइम मिनिस्टर की क्या कहें उसको इमेजिनेशन, काल्पनिक क्षमता, मैं बताऊं कि मैं तो उनके बाद ही गवर्नमेंट में रहा हूं, बराबर साथ साथ सारी भूमिका रही है। जब गवर्नमेंट बनी थी हम लोग एक मीटिंग हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर थे, मैं था, दोनों लोग और सारे ऑफिसर्स बैठे थे। तो उस समय उन्होंने अधिकारियों को, अपने कुछ अधिकारियों को कहा था कि आप लोग लोगों का अकाउंट बैंकों में खोलने का लाइए, कोई फैमिली भारत में शेष नहीं बचनी चाहिए जिसका कि अकाउंट न खुले। मैंने कहा कि क्या ये सब कर रहे हैं, अकाउंट से क्या होगा, कहें राजनाथ जी बात सुन रहे और आज अकाउंट कितना करिश्मा कर रहा है। अरे डिजिटल इकोनॉमी में जो करिश्मेटिक काम भारत ने किया है, अमेरिका सारे बड़े डेवलप करते थे एकदम आश्चर्यचकित। पहले लोग कहते थे, हमको बाद में बताया उन्होंने कैसे मोबाइल होगी, मोबाइल से लोग अपना पैसा बैंकों से लेंगे देंगे ये खर्च करेंगे ये। अरे मैंने कहा यहां अनपढ़ लोग इतने सारे गांव में रहने वाले लोग काम करेंगे, और आप देखिए 40% इस समय ट्रांजेक्शन हमारे देश में सेलफोन के द्वारा हो रहा है। यह है देश काल्पनिक क्षमता, पावर ऑफ इमेजिनेशन प्राइम मिनिस्टर की। सब पीछे चले गए, भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, अच्छा यूक्रेन का ही मामला था, हमारे भारत के रहने वाले लोग कहते थे साहब इतने हमारे छात्र रो रहे थे, लोग हमारे बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं, जब मिसाइल गिर जाए, बम गिर जाए, ये हो जाए, खत्म हो जाए। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया कि अच्छा हम लोग बैठे थे, दो तीन चार मैं था, अमित जी थे, प्राइम मिनिस्टर थे, कुछ ऑफिसर्स थे, उन्होंने कहा कि ठीक है सबको भाई बाहर निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो डिफेंस से ही सारी प्लेन में सारी गांव की निकलती है, शिप्स वगैरह भी हमारी नेवी हुई की जाती है। कैसे निकले, पहले भाई मान लीजिए वहां गए ऊपर से मिसाइल आ गई रूस की, तो जैसे रहा। तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की, और रोल इसमें अमेरिका का बैठा, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर बाइडेन से भी बात की। भाइयों आपको आश्चर्य होगा कि 4 घंटे के लिए युद्ध रुक गया, हमारे भारत की गति वापस आ गई। यह है करिश्मा अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत। बात बड़ी लंबी है क्योंकि तो मैं बोलता रहूंगा तो रात हो जाएगी और जो अंदर से आ रहा है सुडान में भी हो रहा है ऑपरेशन कावेरी, आगे अलग वक्त 3,000 से ज्यादा लोग, 4,000 से ज्यादा लोग, और भारत अब रक्षा मंत्री हूं इसलिए मैं बता देता हूं, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा, भारत अब दुनिया का ताकतवर देश। इंडो चाइना स्टैंड ऑफ के दौरान भी जो भारत ने करिश्मा दिखाया हमारे सेना के जवानों ने, मैं जानता हूं सारी बातें खुलकर नहीं की जा सकती हैं, लेकिन सचमुच दोस्तों हम सबको गौरव की अनुभूति होती है, गर्व की अनुभूति होती है, करिश्मेटिक काम किया है। अब मैं भी आता जाता रहता हूं बराबर।
बराबर, आपने देखा होगा कि मैं कुछ हमारे जवान शहीद हुए थे, मैं तुरंत जम्मू पहुंच गया, रजौरी पहुंच गया, उनके बीच गया। आज जिस दिन मैं पहुंचा वहां एक को उन्होंने टपका दिया। और अब तो फैसला किया है, मेरे प्राइम मिनिस्टर का बार बार आग्रह रहता है कि भाई भारत सेल्फ रिलायंट भारत होना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। दुनिया के दूसरे देशों पर नहीं, टैंक तो गोले बारूद एमिनिशन मिसाइल कब तक हम बाहर से देते रहे, यानी हवाई जहाज तो गोले टैंक मिसाइल ये बननी चाहिए, भारत में बननी चाहिए और भारतवासियों के हाथों बननी चाहिए, ये हम लोग। और हम लोग सारा माल पहले बाहर से खरीदते थे इन सब साजिशों को। और आपको आश्चर्य होगा कि 2014 के पहले हमारा जो एक्सपोर्ट होता था, छोटी मोटी चीजें कभी कोई बनाता बनाता रहा होगा, 900 करोड़ रुपए का इसे, और इसमें मोर देन 16,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफेंस आइटम। हम बनाएंगे, कहा कौन बनाता है, वाह बनाते रहिए, माल बिक रहा है कि नहीं। क्या बनाते हैं, बहुत अच्छा, तो और कोई खास बात, और सब ठीक ठाक है।